महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के सांगली में रफ्तार का खैर उस वक्त देखने को मिला जब एक तेज रफ्तार कार ने मिनी बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से हुए सड़क हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र के सांगली की तस्वीर आपको हम बता रहे हैं। मिनी बस में कार की टक्कर और फिर उसके बाद 5 लोग यहाँ गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। और टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है। देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस चुनाव में वोट जरूर करें। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद गांधीनगर में करेंगे मेगा रोड शो। दिन में 3 भाग में होगा रोड शो। रात में अमित शाह करेंगे जनसभा को संबोधित। 19 अप्रैल को करेंगे नामांकन। पहले चरण के मतदान के पहले शुरू हुआ ईवीएम पर घमासान। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने दावा किया कि ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो बीजेपी 180 से कम पर सिमट जाएगी। बीजेपी ने किया पलटवार। तरुण चुग ने कहा गांधी परिवार हार देखकर हताशा और निराशा में ईवीएम पर चीखा फोड़ रहा है। बीजेपी के अमित मालवीय ने वीडियो जारी कर बंगाल में रामनवमी के दिन टीएमसी पर हिंसा फैलाने के आरोप लगाए। वीडियो में मुर्शिदाबाद के डेजी नगर में आगजनी का दावा। चुनाव आयोग से कार्यवाही की मांग की। रामनवमी पर पीएम मोदी ने पहले चरण के एनडीए के सभी उम्मीदवारों को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में कहा भरोसा है कि आपको जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। ये चुनाव साधारण नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य के निर्माण का सुनहरा अवसर है। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। गोल्ड के बिना सूर्य इसी तरह टीका लगाएगा और भक्तों को आस्था और विज्ञान का संगम नजर आएगा क्योंकि वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की वजह से ही लोगों को रामलला का सूर्य तिलक देखने का मौका मिला। जिस समय यह पूरी प्रक्रिया शुरू हुई अयोध्या के राम मंदिर में 10 वैज्ञानिकों की टीम मौजूद थी और वैज्ञानिकों की टीम ने करीब 4 मिनट के सूर्य तिलक पर लगातार नजरें बनाई रखी। राम का अभिषेक सूर्य की किरणों से करने के लिए ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और इसी सिस्टम ने राम मंदिर की तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणों को गर्भगृह में विराजमान रामलला के मस्तक तक पहुंचाया। इस सिस्टम में 4 लेंस और 4 आईने जो तीसरी मंजिल से गर्भगृह तक लगे अष्ट धातु के पाइपों में फिट किए गए। पहला आईना राम मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगा है जहां सूर्य की किरण पड़ी और आईने से टकराकर पाइप के अंदर गई और फिर दूसरे आईने से टकराई और इसके बाद 3 अलग अलग लेंस से गुजरते हुए पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर लगे आईने से टकरा गई। इसके बाद सूर्य की किरण से रामलला के माथे पर करीब 75 मिलीमीटर का गोलाकार तिलक किया गया। आसान शब्दों में कहें तो तीसरी मंजिल से सूर्य की किरण अलग अलग आईनों से टकराते हुए घुमावदार पाइपों से गुजरी और आखिरी आईने से टकराने के बाद ये सीधा रामलला के माथे पर चली गई और इस वजह से उनका मस्तक करीब 4 मिनट तक जगमगाता रहा। और इस अद्भुत क्षण का साक्षी बनने के लिए अयोध्या में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ आई। इन श्रद्धालुओं ने रात में ही अयोध्या पहुंचना शुरू कर दिया। लाखों की भीड़ देखते हुए मंदिर में दर्शन का समय थोड़ा बदल दिया गया और सुबह 3:30 बजे ही राम मंदिर के कपाट खुल गए जबकि सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट सुबह 6:30 बजे खुलते हैं। लेकिन रामनवमी के मौके पर दर्शन के लिए लाखों लोग अयोध्या पहुंचे और इसीलिए मंदिर समय से पहले खुल गया। रामलला के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लोगों की लाइन लग गई। बहुत सारे लोगों ने राम के सूर्य तिलक के दर्शन भी किए और उनके लिए वो पल यादगार बन गया। सूर्य अभिषेक हो गया, प्रभु श्री राम का खुश है। रामलला के सूर्य तिलक के बाद राम मंदिर में उनकी आरती हुई। 51 कलशों से उनका अभिषेक किया गया। इस मौके पर रामलला को गुलाबी वस्त्र पहनाए गए। सोने के मुकुट और रत्नों से जड़े हार से उनका श्रृंगार किया गया। पूजा में गुलाब, कमल, गेंदा, चंपा और चमेली जैसे फूलों का इस्तेमाल किया गया और इस दौरान श्रद्धालु लगातार मंदिर में दर्शन करते रहे। मंदिर प्रशासन ने रामनवमी के दिन मंदिर में दर्शन का समय 20 घंटे कर दिया क्योंकि मंदिर के कपाट रात 11:30 बजे तक खुले रखने का फैसला किया गया क्योंकि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी थी और इस मौके पर रामलला की प्रतिमा बनाने वाले अरुण योगीराज भी अयोध्या पहुंचे। अरुण योगीराज ने शालिग्राम पत्थर से रामलला की प्रतिमा बनाई थी और 22 जनवरी को अरुण योगीराज की बनाई गई उसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसके बाद अरुण योगीराज सुर्खियों में आ गए थे
वो रामनवमी पर रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। उनके साथ उनका परिवार भी था। उनके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला जिस पीली पोशाक में नजर आए थे, वो पोशाक बनाने वाले मनीष त्रिपाठी भी अयोध्या पहुंचे। यानी अरुण योगिराज और मनीष त्रिपाठी दोनों रामनवमी पर अयोध्या में हुए उत्सव का हिस्सा बने, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी थी और इस खास मौके पर रामलला के दर्शन की अहमियत ही कुछ और थी। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई में भीषण हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी। मुंबई में पड़ रही भीषण गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुंबई में मंगलवार को अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले एक दशक में सबसे गर्म दिन रहा। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मुंबई में भीषण हीट वेव की भी चेतावनी जारी कर दी। ओडिशा में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मौसम बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से मिल रही है, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। पकौड़े का ठेला लगाने वाले एक प्रवासी मजदूर की यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के ठीक पहले यह वारदात हुई है और जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। जिसकी मौत हुई है वो बिहार के रहने वाले हैं। उनकी पहचान राजा शाह के तौर पर की गई है। उन्हें गले में और पेट में गोली लगी है, तो घाटी में एक बार फिर से डर का माहौल पैदा करने की यह कोशिश। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यह टारगेट किलिंग की घटना सामने आई है। आतंकी हमला यह हुआ है। पकौड़े का ठेला लगाने वाला एक प्रवासी मजदूर, जो कि बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से जम्मू कश्मीर में बीते, इसकी हर संभव कोशिश की जा रही है और एक तरफ उसे बिगाड़ने के लिए जो आतंकी हैं वो लगातार कैसे यहां पर टारगेट किलिंग कर रहे हैं उसकी तस्वीर भी अब आई है। और इस वारदात के ऊपर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने अब ट्वीट किया है। ये कहा है कि वो हिंसा की ऐसी संवेदनहीन वारदात की निंदा करती हैं, उनके परिवार के, लेकिन उन्होंने अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की तरफ से अब ट्वीट किया गया है, जिसमें अपनी गहरी संवेदना परिवार के प्रति वो व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही है। पीडीपी अकेले चुनाव लड़ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार, और ये जो आतंकी घटना जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखाई दी है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती का यह ट्वीट सामने आया है। और उधर गुलाम नबी